अन्नकूट गोवर्धन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा होती है। वेदों में इस दिन इंद्र वरुण अग्नि आदि देवताओं की पूजा का विधान है। अन्नकूट या गोवर्धन की पूजा का आज जो विधान है वह भगवान कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग में आरंभ हुआ है। उस समय लोग इंद्र भगवान की पूजा करते थे। 56 प्रकार के भोजन, 56 प्रकार के भोजन बनाकर तरह तरह के पकवान व मिठाइयों का भोग लगाया जाता था। ये पकवान तथा मिठाइयां इतनी अधिक मात्रा में होती थी कि इनका पूरा बहाड़ ही बन जाता था। अन्नकूट में चंद्र दर्शन अशुभ माना जाता है। यदि प्रतिपदा में द्वितीय हो तो अन्नकूट अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन प्रातः तेल मल कर स्नान करना चाहिए। पूजन का समय कहीं प्रातः काल तथा कहीं दोपहर को। गाय बैल आदि पशुओं को स्नान कराया जाता है। उनके पैर धोए जाते हैं। फूल माला धूप चंदन आदि से उनका पूजन किया जाता है। गांव को मिष्ठान खिलाकर उनकी आरती करके प्रदक्षिणा दी जाती है। कई तरह के पकवानों का पहाड़ बनाकर बीच में श्री कृष्ण की मूर्ति रखकर पूजा की जाती है। कहीं कहीं गोबर से गोवर्धन व कृष्ण की मूर्ति बनाकर ही पूजा की जाती है। इस दिन संध्या समय दैत्यराज बलि का पूजन भी किया जाता है। पूजन के बाद अन्नकूट की कथा भी सुननी चाहिए। कथा इस प्रकार है। एक बार महर्षि ने ऋषियों से कहा कि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन व अन्नकूट की पूजा करनी चाहिए। ऋषियों ने महर्षि से पूछा, अन्नकूट क्या है, गोवर्धन कौन है, इनकी पूजा क्यों तथा कैसे करनी चाहिए, इसका क्या फल होता है, इस सब का विधान विस्तार से कहकर कृतार्थ करें। महर्षि बोले, एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने शाखाओं गोप ग्वालों के साथ गाय चराते हुए गोवर्धन पर्वत की तराई में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हजारों गोपियां गोवर्धन पर्वत के पास 56 प्रकार के भोजन रखे बड़े उत्साह से नाच गा रहे कर उत्सव मना रही हैं। इस श्री कृष्ण ने इस सब उत्सव का प्रयोजन पूछा तो गोपियां कहने लगी कि आज तो घर घर में उत्सव होगा कि वृत्रासुरों को मारने वाले मेघों व देवों के स्वामी इंद्र का पूजन होगा। यदि पूजा से वे प्रसन्न हो गए तो ब्रज में वर्षा होती है जिससे अन्न पैदा होता है तथा ब्रजवासियों का भरण पोषण होता है। कृष्ण बोले, यदि देवता प्रत्यक्ष आकर भोग लगाएं तब तो तुम्हें यह अवसर जरूर करना चाहिए। इतना सुन गोपियां कहने लगी कि देवराज इंद्र की इस प्रकार निंदा नहीं करनी चाहिए। तो इंद्रोज नामक यज्ञ है, इसी के प्रभाव से अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि नहीं होती। कृष्ण बोले, इंद्र में क्या शक्ति है, उससे अधिक शक्तिशाली तो हमारा गोवर्धन पर्वत है, इसी के कारण वर्षा होती है। हमें इंद्र से भी बलवान गोवर्धन की ही पूजा करनी चाहिए। काफी बात विवाद के बाद श्री कृष्ण की बात ही नहीं की ही मानी गई तथा ब्रज में इंद्र की पूजा के स्थान पर गोवर्धन की पूजा शुरू की गई। सभी ग्वाल गोपाल अपने अपने घरों से पकवान लाकर गोवर्धन की तराई में जा श्री कृष्ण की बताई विधि से पूजन करने लगे। उधर श्री कृष्ण ने अपने धानी आदि दैविक रूप से पर्वत में प्रवेश करके ब्रजवासियों द्वारा दिए गए सभी पदार्थों को खा लिया तथा उन सबको आशीर्वाद दिया। सभी गोपाल अपने यज्ञ को सफल जानकर बड़े प्रसन्न हुए। नारद ऋषि इंद्रोज यज्ञ देखने की इच्छा से ब्रज गांव में आए तो इंद्रोज यज्ञ के स्थगित होने तथा गोवर्धन पूजा का समाचार मिला। इतना सुनते ही नारद इंद्र लोग पहुंचे तथा उत्साह उदास होकर बोले, गोकुल के निवासी गोपों ने इंद्रदोष बंद करके आपसे बलवान गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी है। आज से यज्ञ आदि में उनका भाग तो हो ही गया। यह भी हो सकता है कि किसी दिन कृष्ण की प्रेरणा से भी तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करके इंद्रासन पर भी अधिकार कर ले। नारद तो अपना काम करके चले गए। अब इंद्र क्रोध में लाल पीले हो गए। अधीर होकर उन्होंने मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर प्रलय का सा दृश्य उत्पन्न कर दें। मेघ ब्रज भूमि पर जब मूसलाधार वर्षा वर्षने लगे तो सब गोपी गोपियां सहज कर श्री कृष्ण की शरण में गए और रक्षा की प्रार्थना करने लगे। गोपियों की करुण पुकार सुनकर कृष्ण बोले, तुम सबको गोवर्धन पर्वत की शरण में चलो, वह सबकी रक्षा करेंगे। सब गोपाल पशुधन सहित गोवर्धन की तराई में आ गए।
श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी कनिष्ठ उंगलियों पर उठाकर छाता सा तान दिया। गोप ग्वाल 7 दिन तक उसी की छाया में रहकर अति वृष्टि से बच गए। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर एक बूंद की जल भी नहीं पड़ पाई। यह चमत्कार देखकर ब्रह्मा जी द्वारा श्री कृष्ण अवतार की बात जान इंद्रदेव अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करते हुए कृष्ण से क्षमा याचना करने लगे। श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन को नीचे रखा और ब्रजवासियों से कहा कि अब तुम प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजकर अन्नकूट का पर्व बनाया करो, तभी से यह पर्व रूप में प्रचलित है। बोलो गोवर्धन पर्वत की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय।